साझेदारी संकल्प मोर्चा तथा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को लेकर चर्चाएं लगातार आज रही हैं और कहीं न कहीं जिस पार्टी के साथ शिष्टाचार मुलाकात ओम प्रकाश राजभर जी की हुई है, ऐसी समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़ों का तथा दलितों एवं अल्पसंख्यकों का वोट तो लेना चाहती है, लेकिन वह हक हिस्सा नहीं देना चाहती है। जब भी हिस्से की बात करिए तब भी उस समय उस पार्टी के मुखिया का यह कहना है और उस पार्टी का यह कहना है कि आप हिस्से की बात तो मत करिए, केवल मेरे साथ आ जाइए। और इसी क्रम में जन अधिकार पार्टी को लगातार समाजवादी पार्टी तोड़ने का प्रयास करती रही है और भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसका नेतृत्व माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी कर रहे थे, ये भागीदारी संकल्प मोर्चे को तोड़ने का भी समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास करती आ रही है। और कहीं ना कहीं आज प्रदेश में जन अधिकार पार्टी एक सर्वजन की पार्टी होती जा रही है और आज उसके लीडर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो कि दलितों तथा पिछड़े अल्पसंख्यकों के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लोग आज उनको अपने लीडर के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस क्रम में कि कहीं एक ऐसा सशक्त लीडर उत्तर प्रदेश में ना आ जाए पिछड़ों के, जिससे कि उनको नुकसान हो, इसलिए वह जन अधिकार पार्टी को तोड़ने का लगातार प्रयास करते रहे हैं और ये जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है उसको भी तोड़ने का उन्होंने लगातार प्रयास उनका जारी है। और ये कहीं ना कहीं यह उनके मन में है कि जन अधिकार पार्टी आगे ना सके। और इसी क्रम में जो जन अधिकार पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग आज माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ एकजुट होकर खड़े हैं और जरूरत इसी बात की है कि आप अपने नेतृत्व पर विश्वास करिए। आपका लीडर, आपका नेतृत्वकर्ता, आपके माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी आज आप सबके साथ, आप सबके हक अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए आपको डिगने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है और उनके साथ और मजबूती के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। यह समय वह है कि आपको बहकाने का लोग काम करेंगे, सभी पार्टियां तरह तरह की बातें, तरह तरह की चर्चाएं बाजार में लाने के प्रयास करेंगे और यह सोचेंगे कि कहीं ना कहीं आप लोग उनके साथ जाकर मिल जाइए, उनके नेतृत्व को आप स्वीकार कर लीजिए। लेकिन आप समझिएगा इस बात को कि कभी भी समाजवादी पार्टी आपके हित और अधिकार को नहीं चाहती है, देना नहीं चाहती है। इसलिए जो आज आपके वर्तमान में दलितों, पिछड़ों तथा अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहे हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, उनके साथ हम सबको एकजुट रहने की आवश्यकता है और एकजुट रहेंगे तो आप भरोसा रखिए कि आपका मान सम्मान, आपका हक हिस्सा माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जरूर दिलाएंगे और आपको भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज एक सर्वमान लीडर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं और हम सब जानते हैं कि हम लोग की पार्टी जन अधिकार पार्टी और हम लोग के नेता माननीय बाबू सिंह कुशवाहा। और कहीं आप भरोसा रखिए, यह भागीदारी संकल्प मोर्चा टूट नहीं रहा है, एकजुट है और एकजुट रहेगा। और हम सभी अपने भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग भी एकजुटता बनाए रखिए, किसी बात पर ध्यान मत दीजिए, केवल अपने नेतृत्व पर भरोसा रखिए और नेतृत्व कर जो आपके कर रहे हैं बहुत ही सशक्त हैं, वो कहीं ना कहीं आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं उसको दिलाकर ही वो रहेंगे। आप उन पर भरोसा करिए, जन अधिकार पार्टी पर भरोसा करिए और भागीदारी संकल्प पर भरोसा करिए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय जन अधिकार पार्टी, जय माननीय बाबू।